गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द कंटिन्यूशन ऑफ द सेम चैप्टर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पर ये मैं क्वेश्चन ले रही हूँ फ्रॉम द एनसीईआरटी, दैट इज 3.9 एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये. और क्वेश्चन कहता है कि टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी इंटरवल. उसने कहा कि एक टाउन ए है, डायग्राम को देखिए, एक ए है एक बी टाउन है, दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है बस सर्विस से. हर टी इंटरवल के बाद इधर से भी एक बस निकल रही है और इधर से भी एक बस निकल रही है. अ मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आर इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी नोटिसेस दैट द बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट इन द डायरेक्शन अपोजिट. तो अगर एक साइकिलिस्ट है जो साइकिलिंग कर रहा है यहाँ पर और उसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 किलोमीटर पर आर, तो उसके लिए सेम डायरेक्शन में, जब वो सेम डायरेक्शन में ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ही नोटिसेस कि हर 18 मिनट में एक बस उसके बराबर से गुजरती है, यानी कि आगे की तरफ उसको क्रॉस बाय कर रही है. एंड नोटिस करता है कि हर 6 मिनट के बाद अपोजिट डायरेक्शन में एक बस जा रही है. तो जाते हुए डिफरेंस दे रखा है 18 मिनट और वापसी पे 6 मिनट. अब सबसे पहला पार्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे यहाँ लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि दोनों तरफ से जो बस निकल रही है उसकी वेलोसिटी वी ही है. वो किस लिए? क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? एस, जो कि कांस्टेंट है. और उन्होंने बोला कि बस सर्विस कैसी थी? रेगुलर थी. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो गया, टाइम सेम हो गया, तो वेलोसिटी भी बस की सेम ही होनी चाहिए. तो यहाँ ए से जो निकल रही है बस और जो बी से निकल रही है, उन दोनों की वेलोसिटी वी हमने कंसीडर कर ली. सो वी यहाँ पे वेलोसिटी होगी बस की, और ये वेलोसिटी किसकी होगी? साइक्लिस्ट की. तो जब साइक्लिस्ट और बस दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो रिलेटिव वेलोसिटी हुई वी माइनस 20, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी प्लस 20. अब जब माइनस हुई है तो हमें टाइम लगा था 18 मिनट. फॉर्मूला वही लगा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस एस है, हमने कांस्टेंट डिस्टेंस माना हुआ है, और टाइम इंटरवल लग रहा था 18 मिनट. यस, हाँ मिनट. और यहाँ पर डिस्टेंस लग रहा है 6/18 मिनट. सी, मैंने इसको मिनट को कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि वी विल टेक रेशियो इन द नेक्स्ट स्टेप. अब हमें क्या करना है? हमारे पास दो इक्वेशन है, हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है सो एज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड. और हमें निकालना था फाइनल टाइम पीरियड टी भी निकालना है, एंड विद वॉट स्पीड डू द बसेज फ्लाई. तो यानी हमें वी भी निकालना है एंड देन हमें फाइनली टाइम भी निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगा. तो इन दोनों को हम रेशियो ले लें, वी माइनस 20 एंड वी प्लस 20. सो आप देखेंगे एस और एस तो कैंसिल हो जाता है, एंड देन यू आर लेफ्ट विद, अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हैं, देन आपके पास आता है 6/18. और मिनट मिनट भी कैंसिल हो रही है, यूनिट्स भी कैंसिल हो रही हैं, तो आपका कैलकुलेशन रादर और ईजी हो गया. जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी, और वो वैल्यू आंसर आ रहा है वेलोसिटी का 40 किलोमीटर पर आर में आ रहा है वो आंसर. मैंने किसी भी चीज़ का कोई कन्वर्जन नहीं किया था, यहाँ पे वेलोसिटी किलोमीटर पर आर में थी, तो वही किलोमीटर पर आर में ही आपका आंसर आएगा. एंड देन आप किसी भी एक इक्वेशन में आप किसकी वैल्यू, वी की वैल्यू को वापस पुट कर दीजिए सो एज टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, टोटल टाइम कितना लगा, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप निकाल सकते हैं. फॉर फाइंडिंग आउट टाइम, इस इक्वेशन को लेते हैं हम, तो वी प्लस 20 इंटू टेक दिस 6 ऑन दिस साइड. तो 6 ये आपका डिस्टेंस आ जाता है. 6 को मिनट को मैं अभी भी कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो लेटर कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन वी इज इक्वल टू वी टी के बराबर, और टी क्या है? टोटल टाइम. तो यहीं पर आप इसे वी इंटू कैपिटल टी भी लगा सकते हैं. और अब बस आपको वी की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करनी है, यहाँ पर भी पुट करनी है, तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है 40 + 20 × 6 इज इक्वल टू 40 × T. मैंने मिनट को मिनट में ही रखा है, आप आंसर मिनट में ही निकालेंगे तो टी मिनट में निकल जाएगा, तो यहीं से टी आपका आंसर आ जाएगा 9 मिनट. ये आपका फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन यू आर गिवन विद अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 km/h फायर्स ए बुलेट ऑन द थीफ कार स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 192. यानी थीफ कार भी उसी डायरेक्शन में है, पुलिस वैन भी उसी डायरेक्शन में है, और पुलिस वैन में से उन्होंने एक बुलेट फायर की है थीफ कार के ऊपर,
और आगे देता है इफ़ द मजल स्पीड इज़ ऑफ द बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड, और उसने बुलेट की जो मजल स्पीड थी वो भी आपको दे दी है। तो ये कहता है कि वॉट इज़ डज द स्पीड ऑफ द बुलेट हिट वैन इट विल हिट द कार, या थीफ कार को जब ये हिट करेगी तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी, वॉट विद वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द कार। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या गिवन है आपको। वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वैन दे रखी थी 30 किलोमीटर पर आवर, बुलेट की स्पीड दे रखी थी विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस वैन 150 मीटर पर सेकेंड, और थीफ कार की वेलोसिटी दे रखी थी आपको इतना। तो सबको मैंने कन्वर्ट कर लिया, जैसे ये मीटर पर सेकेंड में था तो इसको भी आप कन्वर्ट कीजिए, इसको भी आप कन्वर्ट कीजिए। अब फॉर्मूला बनता है हमारे पास वी बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस वैन, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वैन। सो अब यहाँ से आप द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट निकाल लीजिए, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट हो जाएगी बीपी प्लस पुलिस वैन की वेलोसिटी, तो वो आपको दे रखी 150 + 25/3 एंड ये आता है 475/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास नेक्स्ट आया था हमें निकालनी किसकी थी, विद विच व्हाट स्पीड इट विल हिट दी पुलिस थीफ कार। फॉर दैट हमें निकालनी है बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, तो बुलेट वी ऑफ बुलेट माइनस वी ऑफ द थीफ कार। बुलेट की स्पीड हम निकाल चुके हैं 475/3 और थीफ कार आपको दे रखी है 165/3 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 105। So this is the way we can use the velocity, use the relative velocity concept to calculate various questions. कुछ questions आप try कीजिएगा NCERT के, they are equally important. Now let us take some miscellaneous question now. Look at this question. A ball is dropped from a height h meter above the ground and at the same time another ball is projected up from the ground. The two meets when the upper ball falls through a distance of h by 3. तो ऊपर वाली बॉल जो है, ऊपर से आपने एक बॉल नीचे ड्रॉप कराई है और नीचे से एट द सेम टाइम आपने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंक दी है, लेकिन जब ऊपर वाली बॉल h by 3 डिस्टेंस कवर कर लेती है तब दोनों मीट करती हैं। तो आपको बताना है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज़ वो है वो 2:1 है। तो हम इक्वेशन बनाते हैं s = ut + ½ at² फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे s क्या है, आपका ऊपर से नीचे जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया h by 3। इनिशियली जब आपने फेंका नहीं था तो वेलोसिटी थी 0, नीचे ही आ रहे हो तो g की वैल्यू भी प्लस रहेगी, तो आपके पास बचा ½ gt², यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हो विच कैन बी गिवन। अच्छा अभी हम नहीं निकालते, अभी हम इसको एज इट इज छोड़ते हैं, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सेम वे नीचे से जो ऊपर बॉल गई, अगर ये टोटल डिस्टेंस h था तो नीचे से जो ऊपर बॉल गई है उसके लिए रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया h - h/3, और उसके लिए भी इक्वेशन बना दें हम तो उस वक्त vt, क्योंकि नीचे से तो आपने कोई ना कोई वेलोसिटी दी होगी, तो हम कह रहे हैं वो वेलोसिटी थी v, और माइनस में ½ gt² अगेंस्ट ग्रेविटी प्रोजेक्ट किया गया, u ऊपर है g नीचे एक्ट कर रहा था इसलिए माइनस सिंबल आ गया यहाँ पे gt², ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ से वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ½ gt कैंसिल हो जाता, सिर्फ आपके पास h की वैल्यू बचती है विच इज़ vt। सो यानी t आपने निकाल लिया, दैट इज़ h/v। अब h/v आपके पास t की वैल्यू आ गई, तो इस इक्वेशन को इसमें वापस पुट कर दें, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पे t की जगह पे, तो यहाँ पे आपका h/3 था = ½ g, अगेन यहाँ पे h/v का होल स्क्वायर आ रहा है, इंस्टेड ऑफ t आपने प्लेस कर दिया, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v आपके पास आ जाएगी √3 by 2 gh, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग, क्योंकि मेरे पास वी स्क्वेयर बचेगा, यहाँ पे वी स्क्वेयर को इधर ले जाते हैं, एच स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा 3/2 g एंड देन वो 3/2 g एंड h जो आपके पास रिलेशनशिप बचता है, एंड देन आप फाइनली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाएगा। अब बचती है वेलोसिटी निकालने का काम, बचता है वेलोसिटी निकालनी है पहली बॉल की, फर्स्ट निकालते हैं फॉर फर्स्ट बॉल के लिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला हम ले रहे हैं v² - u² = 2as, ये आपको प्रैक्टिस से ही लर्न होगा कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कौन सा लगा सकते हैं। u इनिशियली क्या था, 0, तो v बचा, यानी ये फर्स्ट की वेलोसिटी निकाले, तो मैं v1 कह देती हूँ इसको, एंड 2g, और हाइट डिस्टेंस कितना कवर किया था h/3, तो ये आ गया आपके पास h/3, तो v1 आ गई आपके पास, v1 इज कमिंग आउट टू बी 2gh/3, ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से v2 निकालते हैं, फॉर v2 फॉर सेकेंड बॉल
सो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आपके पास वी टू स्क्वेयर होगा। बट अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि नीचे से जब आपने प्रोजेक्ट किया था तो आपने उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी थी, लेट अस कॉल इट एज वी, और वी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो नीचे वाली वेलोसिटी क्या थी, वो हम यहाँ पुट करेंगे। सो अगेन फार्मूला बनता है माइनस जी टू जी और फार्मूला एच माइनस एच बाय थ्री। ये माइनस अगेन इसलिए लगाया क्योंकि आप अगेंस्ट जी जा रहे हैं, यहाँ पर हमने जी ही रखा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ बॉल आ रही थी, तो कन्वेंशन का इक्वली आपको थ्रू आउट द कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे, वी की वैल्यू को प्लेस करेंगे यहाँ पर और इसको वी टू के लिए सॉल्व करेंगे, तो वी टू आता है अंडर द रूट जी एच बाय सिक्स, और जब आप वी वन बाय वी टू रिलेशनशिप लेते हैं दैट कम्स आउट एज टू एज वन, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये कुछ कैलकुलेशन पार्ट मैंने छोड़े हैं जो आप कैलकुलेट करके देखेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, दिस इज एन एन सी आर टी 3.8 क्वेश्चन। ऑन ए टू लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आर, टू कार्स बी एंड सी अप्रोचिंग ए। तो किसी रोड पे एक कार जो है वो इस डायरेक्शन में, मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और उसकी स्पीड दे रखी है, बी और सी वो एक ही तरफ आ रही है, तो एक ही तरफ आ रही है तो एक तो इधर जा रही होगी और दूसरी इस तरफ आ रही होगी, तभी वो इसको अप्रोच कर सकती हैं, ए को अप्रोच करें। तो हमने मान लिया बी पीछे है, सी आगे की तरफ है, ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद 54 किलोमीटर। दोनों की स्पीड भी सेम है, इसकी स्पीड भी वी है, इसकी स्पीड भी वी है, दोनों की स्पीड 54 किलोमीटर दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आर है। वेन डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी इज़ 1 किलोमीटर, तो जब आपके पास बी का और ए के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर था और इसका डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर था, बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए। ओ यस, क्लियर हो गया, बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए, तो ठीक ही अज्यूम किया था, मैं सोच रही थी कि कहीं मैंने गलत तो नहीं इसको ले लिया है। तो बी ओवरटेक तभी करेगी जब बी पीछे होगी, तो पी को मैंने इस तरफ बी को माना है, तो दिस इज़ अ करेक्ट अजम्पशन, हमने तो ऐसे ही रेंडम बना लिया था, लेकिन आगे पढ़ा तो बी इज इक्वल टू ए ही आ रहा है, तो इसका मतलब बी पीछे है और ए आगे है। तो ओवरटेक करने का डिसीजन लेते हैं ये जब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट, और कितना एक्सेलरेशन हमें चाहिए कि ये एक्सीडेंट ना हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये सी जो है वो ए को कितनी देर तक पहुंच जाती है। अगर उतनी देर में ये वहां से निकल जाए तो एक्सीडेंट बच जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे कि इन दोनों का टाइम कितना लग रहा है। वेलोसिटी ए की आपको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आर, वो आप चेंज कर सकते हो, बी की दे रखी है आपको 54 किलोमीटर पर आर, और क्योंकि ये भी किलोमीटर में ही है वैसे तो सब कुछ किलोमीटर में चला, आप चाहें तो कन्वर्जन ना करें और चाहें तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो राइट नाउ कन्वर्जन कर लेते हैं, कन्वर्जन इज कमिंग आउट टू बी दिस विल गिव यू 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस विल गिव यू आफ्टर कन्वर्जन 15 मीटर पर सेकेंड, और वी सी जो है वो आपको दे रहा है -15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ ये डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ गए, बी सी की भी वैल्यू। तो अब रिलेटिव स्पीड नहीं, अगर मुझे टाइम चाहिए, टाइम कितना किसके बीच में, ए और सी के बीच में, ए सी को पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम चाहिए, तो मुझे चाहिए दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो तो गिवन है 1 किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर डिस्टेंस था देन हमें देखना है। तो डिस्टेंस ऊपर वाला हो गया 1 किलोमीटर, वो 1000 मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमने स्पीड कन्वर्ट कर ली है, और अब नीचे का जो डिस्टेंस होगा वो लेंगे हम रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड थी वी ए सी की रिलेटिव स्पीड लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 10 और वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है -15, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो आपके पास बचा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 25 पुट करते हैं एंड देन यू विल गेट इट 40 सेकेंड्स, हमारा यहाँ पे आंसर आता है, यानी कि 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर अगर बी जो है इसको ओवरटेक कर लेती है तो फिर हमारे को एक्सीडेंट से हम सेव हो सकते हैं। तो हम देखते हैं 40 मीटर, तो अब हमारा फॉर्मूला लगा दें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये हमने सिंपल फॉर्मूला ले लिया है। यू इनिशियली क्या था आपके पास, ये भी हमें देखना पड़ेगा, एस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस था उस टाइम 1 किलोमीटर, तो 1000। यू इनिशियल जो स्पीड थी वो दे रखी है आपको, ये इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें रिलेटिव, क्योंकि अब ए और बी के बीच की बात हो रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी हमें ए बी की, और वो हो गई आपके पास वी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पर ये ए बी लेंगे या बी ए ले लें, तो क्योंकि डायरेक्शन आएगी, लिख देती हूँ अभी तो मैं फिलहाल 10 माइनस 15, सो आपके पास -5 बच रहा है मीटर पर सेकेंड, बट माइनस इज एक्चुअली जस्ट टेलिंग यू द डायरेक्शन। तो राइट नाउ तो हमें रिलेटिव की का मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस सिंबल का कोई लेना, पोलैरिटी का कोई लेना देना नहीं है, तो 5 यहाँ पे पुट करते हैं इनटू डिस्ट टाइम कितना था 40,
यहाँ माइनस सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो अपोजिट, मतलब घट रही है वेलोसिटी, जो है वो लेस वेलोसिटी है, ये दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देन प्लस जो आपके पास आया हाफ, ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन ही हमें फाइंड करना है, तो ए हमें फाइंड करना है, और टाइम को हम फिर से 40 स्क्वेयर यहाँ पे प्लेस करते हैं। एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन यू विल गेट एक्सेलरेशन एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है फॉर आफ्टर कैलकुलेशंस। सो वी कैन डू दीज को टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन ऑल्सो, एंड एनी डाउट्स यू मे सेंड द क्वेश्चन टू मी, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट। थैंक यू सो मच।